नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। उत्तम नगर में स्थित ट्रस्ट फाउंडेशन ने वार्षिक समर फेस्ट प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंसेस से सभी का दिल जीत लिया। एनजीओ के प्रेसिडेंट रणजीत चौहान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदीप यादव और उनकी टीम ने बच्चों में बैग्स और स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किए। देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ट्रस्ट फाउंडेशन, जो बच्चों और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती है, चाहे गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात हो या गरीब कन्याओं के विवाह की बात हो, बीते 4 वर्षों से संस्था हर कसौटी पर खरा उतर रही है। बीते रविवार को संस्था ने एनुअल फंक्शन का आयोजन किया, जिसमें डांस कॉम्पिटिशन, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, ड्रेस कॉम्पिटिशन जैसी तमाम प्रतियोगिताएं हुई। इस मौके पर उत्तम नगर के विधायक नरेश बालियान और दीपक बोहरा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और बच्चों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। समाज सेवी प्रदीप यादव और उनकी टीम ने बच्चों में बैग्स और स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किए। ट्रस्ट फाउंडेशन पिछले 5 साल से जनता के बीच कार्यवस्थ है। बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, महिलाओं के लिए उत्थान के लिए अपना सिलाई क्लासेस है, फ्री सिलाई क्लासेस है, मेहंदी क्लासेस है, ब्यूटीफुल क्लासेस है, मुफ्त कढ़ाई क्लासेस है, बच्चों के लिए डांस क्लासेस भी है, और इसके साथ ही बच्चों के उत्थान के लिए समय समय पर ट्रस्ट फाउंडेशन प्रोग्राम्स कराती रहती है, ऐसे कॉम्पिटिशन करवाती रहती है। वैसे तो हर एक महीने में एक फंक्शन होता है, लेकिन हमारा लास्ट बड़ा इवेंट हुआ था समर फेस्ट, ये भी समर फेस्ट ही है, लास्ट 2019 में हुआ था, 7 जुलाई 2019 में। जी बिल्कुल, हम सब जानते हैं जब कार्य होता है तो उसका शोर होता है, उसका नाम होता है, और वो कहीं ना कहीं लोगों तक कानों तक पहुँचता है, लोगों तक तो पहुँच चुका है। लोग मुझे बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं, काफ़ी भाई बंधु मेरे जुड़े हुए हैं, जिनमें से हमारे मुख्य तौर पर हमारे दीपक बोहरा भाई हैं, हमारे विधायक जी हैं, पार्षद जी हैं, सभी से निरंतर तौर पर आता रहता है। दीपक राजपूत भाई हैं, सोनू डोनाल भाई हैं, बहुत सारे भाई बंधु हैं, रोहित कपूर भाई हैं, योगेश यादव भाई हैं, कई भाई बंधु हैं हमारे, देव भैया सामने खड़े हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है? गवर्नमेंट सपोर्ट ये अभी तक नहीं मिला है। हम लोग जो भी हमारा गवर्नमेंट सपोर्ट फंडिंग के लिए हमारी फाइलिंग हो रही है, जैसे ही हमारे पास एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, हम गवर्नमेंट से अप्लाई करेंगे फंड के लिए, और इस चीज़ को पब्लिक के सपोर्ट से भी और गवर्नमेंट के सपोर्ट से भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आने वाले टाइम पर क्या कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं और जिनका फ़ायदा लोग? मेरा बस एक ही सपना है कि जहाँ तक मेरी पहुँच है, जहाँ तक मेरा नाम है, अगर लोगों को किसी प्रकार कोई भी समस्या हो ना, जैसे किसी गरीब लड़की की शादी कराना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, किसी प्रकार को कोई एजुकेशन में कोई कमी आ रही हो, तो उसके दिमाग में ट्रस्ट फाउंडेशन आए। सबसे पहले तो मैं रंजीत भाई के लिए एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हमारी उम्र भले ही ज़्यादा है, प्रोफेशन में हम एडवोकेट हैं, लेकिन हम भी इतना समाज सेवा जो कर सकते थे कर रहे हैं, लेकिन जो उत्कृष्ट कार्य ये कर रहा है रंजीत, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य, बच्चों के एजुकेशन के लिए कार्य, किसी व्यक्ति को कुछ मत दो लेकिन उसके परिवार के एक व्यक्ति को पढ़ा दो तो वो अपने आप परिवार संभाल लेगा। इनके जो भी ये कार्य कर रही हैं ट्रस्ट, लास्ट जितने साल से जो भी हमसे संभव मदद है हम देते हैं, और इनके साथ में कनेक्टेड है, और इनसे हम भी एस्पायर हैं, हम भी कुछ सीखते हैं, क्योंकि ये जो जुझारू रूप से काम करते हैं, जैसे कोरोना में हम थे साथ में, ये भी थे, जो भी कार्य इन्होंने किया इन्होंने अपनी भी परवाह नहीं की। जैसा इन्होंने कहा कि 200 परिवारों को भोजन उपलब्ध कराना, उसके लिए इतना सरल नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कार्य कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति को आगे आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एनजीओस या और भी जितने कॉर्पोरेट्स वगैरह हैं सबको आगे बढ़कर इनकी हेल्प करनी चाहिए, और इनको जितने भी पॉसिबल हो सके गिफ्ट्स, मनी या बच्चों को एजुकेशन जो मटेरियल होता है, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि बच्चे आगे बढ़ें, उनकी हिम्मत बढ़े, और लोग जब जितना आगे आएंगे उतना ज़्यादा लोगों को मार्केट में जितने गरीब जो तबका है हमारी दुनिया में उनको सहयोग मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट ने कवर नहीं कर सकती, हमें भी आगे आगे बढ़ करके उनका सहयोग करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ट्रस्ट फाउंडेशन बीते कई वर्षों से समाज के गरीब तबके के विकास के लिए कार्य कर रहा है, महिलाओं को तमाम तरह के प्रशिक्षण देकर काबिल बना रही है, वो भी बिना किसी सरकारी सहायता के। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों और अध्यापकों ने क्या कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल, विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको
ट्रस्ट फाउंडेशन के टीचर्स और स्टूडेंट्स से सुनवाते हैं कि उनका अनुभव संस्था में कैसा रहा। तो संस्था से जुड़े कुछ टीचर्स हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? रेनू। कब से जुड़े हुए? मुझे साल भर होने वाला, 2 महीने रह गए। कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसा अनुभव है बच्चों को पढ़ाने का और कितनी निस्वार्थ सेवा आप करते हैं? मुझे यहाँ पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ सिलाई सिखाती हूँ और मैं यहाँ पे मतलब जो भी उससे बन पड़ता है मैं सब कुछ करती हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, और अगर सर ने यहाँ पे नहीं रखी है उत्तम नगर में मेरे, तो शायद मैं चाहती हूँ कि बहुत ऊँचे तक जाएगा ये, क्योंकि जिस तरह से सर का नीयत है और जिस तरह से रवैया है जो भी सर का है, मतलब बहुत अच्छा है। और मैं जानती हूँ कि अगर इन्होंने यहाँ पे सर कोई रखा है नहीं, तो मैं जानती हूँ कि ये बहुत ऊँचे तक जाएगा। बहुत इन्जॉयमेंट करते हैं, मैम भी बहुत प्यार करती हैं, सर भी बहुत प्यार करते हैं। अगर कुछ हमसे गलती हो जाती है तो मैम उसे मतलब सुधारती हैं कि ये गलत नहीं, ये गलत है, तुम इसे ऐसे करके सही कर सकते हो, और समझाती हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मैम। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है भैया, बहुत अच्छे हैं, केयरिंग है, बच्चों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बच्चे भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं सारे। हमारे सर वो हमें बहुत प्यार देते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमारी डांस टीचर है वो भी हमें बहुत केयर करती हैं, कुछ भी थोड़ा सा स्टेप हमसे गलत होते सब बोलते थे प्यार से करो ये है वो, हमें बहुत इन्जॉय होता है हम पे यहाँ। सब बहुत अच्छा है, हम सबको हॉस्पिटेबिलिटी का होता है थोड़ा फील, और जैसे जो भी स्टाफ्स हैं सर मैम ये सब हमारी बहुत केयर करते हैं। बहुत अच्छा, हमारे सर इतने अच्छे से सबको देखते हैं, बहुत अच्छा रहा है सर। सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है आपको? हमारे सर की सबसे अच्छी बात, सर सबको फ्री में पढ़ा रहे हैं, इतना वो दे रहे हैं टैलेंट, भाई के साथ साथ एंजॉय भी करते हैं। सर मैं इस संस्था से तो वैसे 4 साल से जुड़ी हुई हूँ, पहले मैं डोनेशन करती थी, लेकिन अब भाई के साथ, ये मेरे भाई भी है, मोला भाई है, वो इससे मेरी हर तरीके से मेरे साथ खड़ा रहा है, तो अब मैं इसके साथ में लग के काम कर रही हूँ। 7:10 to 7:00 में रहती हूँ मैं, पूरे दिन चाहती हूँ ये संस्था आगे बढ़े, जो कोई आता मैं अच्छे से समझाती हूँ इसमें क्या क्या चलता है, क्या चल रहा है, क्या आगे चलना है, ये इस बारे में बताती हूँ। बच्चे का ट्यूशन है, मेहंदी है, पार्लर है, सिलाई है, इसको कहाँ तक हम आगे बढ़ाएंगे इसके लिए मैं पेरेंट्स वगैरह को आते रहते बताते रहते। इन्जॉयमेंट की बात अगर आपने सबसे पहले पूछी है, तो इन्जॉयमेंट एक्चुअली सबसे ज़्यादा होता है जो छोटे बच्चे हैं, कहा जाए तो जैसे कहते हैं छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य है, तो इनके साथ जो भी ये परफॉर्मेंस करते हैं उनके साथ इतना मज़ा आता है काम करके, वो जब भी परफॉर्मेंस देते हैं इतनी खुशी होती है, और जितनी भी हमारी ऑडियंस है जब वो प्रोत्साहन उनको मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड अब बोला कि काम कब से है, तो एक्चुअली मैं रंजीत भाई की कॉलेज से बहन हूँ मैं उनकी, तो मैं तब से इनके साथ हूँ। और ट्रस्ट फाउंडेशन की बात करूँ तो मैं ऑलमोस्ट 3 इयर्स है, और जितने भी काम करते हैं रंजीत भाई, लाइक किसी की शादी कराना हो या लाइक कोविड टाइम पे इन्होंने जितना भी लोगों का हेल्प किया है, या फिर जैसे हमारे एजुकेशन के मामले, तो बहुत ही अच्छा, दिल से बहुत खुशी होती है कि मेरा भाई और इतना अच्छा काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है खुशी बहुत होती है। आपका क्या नाम है? जी सानिया जसवाल। अच्छा ये बताइए कब से आप रंजीत जी के साथ काम कर रहे हैं, क्या कुछ काम करते हो, कितना प्राउड फील होता है इस संस्था से काम? बहुत प्राउड फील होता है, मैं अभी जून से ही हूँ, जून से मैंने ज्वाइनिंग किया, मैं स्टूडेंट हूँ उस एनजीओ की, ट्रस्ट फाउंडेशन एनजीओ की, तो मैंने मेहंदी कोर्स के लिए ज्वाइन किया है, तो मैं सर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, सर बहुत अच्छे हैं, हर मतलब एनजीओ में मतलब एक्टिविटी अलग अलग करवाते रहते हैं सर। कैसा माहौल रहता है, कितने कैसे बच्चे एंजॉय करते हैं? बहुत अच्छे से एक्टिविटी करवाते हैं सर, और बहुत बच्चे एंजॉय करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, नए नए स्टूडेंट रोज आते हैं, बहुत ही। समाज के पिछड़े वर्ग को एक मंच देना ही संस्था की मुख्य प्राथमिकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।